आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पनीर सैंडविच बनाने के लिए हमने पनीर लिया, जो कि हमने कुछ ऐसे कट करके इसको रख लिया। प्याज लिया है, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, यहाँ पे चीज लिया है, हरा मिर्च, ये हमने लिया है पत्ता गोभी। अगर पत्ता गोभी भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो स्किप कर सकते हो। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया। इसमें डालेंगे बटर, एक चम्मच सरसों का तेल, अब यहाँ पे डालेंगे जीरा और यहाँ पे लहसुन। अगर सैंडविच में आप लहसुन नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्याज डालेंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, ज़्यादा तेज नहीं रखा, हाई फ्लेम पे थोड़ा इसको पकाना होगा कि कोई चीज़ पके नहीं ज़्यादा, हल्का कच्चापन बना रहे। उसके बाद में हरा मिर्च, तीखा के लिए हल्का से पक चुके हैं तो यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च को सबसे पहले डालना है। यानी कोई चीज़ ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, इतना तक हल्का कच्चापन बना रहे। और ये इसी में डाल देते हैं पत्ता गोभी को। अगर आप चाहो तो इसको कच्चा भी बना सकते हो, सभी चीज़ को बढ़िया से मसाले वगैरह मिला के कच्चा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा से हमने सोचा इसको हल्का से पका के बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट पकाने के बाद में इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा आखिरी में डालना है इसलिए कि ज़्यादा सब्ज़ी पकने ना पाए, नहीं से तो क्या होता है गल जाती है। और इसमें डालेंगे मैगी मसाला, तो ये मसाला में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे डालेंगे टमाटर और पनीर को भी डाल देते हैं, बढ़िया से मिलाएंगे। गैस को हमने बढ़िया से तेज रखा है, धीमा में गल जाएगा। आप इसमें चाहो तो गोल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, अपने मनपसंद का और सामान इसमें डाल सकते हो। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, अब बहुत अच्छे से खुशबू इसमें से आ रही है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हो, यानी सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हो खट्टापन के लिए, चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो देख सकते हो बहुत बढ़िया से रेडी हो चुकी हमारी फिलिंग, तो इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं। फिलिंग को हमने बाहर निकाल के रख लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी धनिया, बढ़िया से मिला देते हैं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि ऐसे आप इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ खा सकते हो। तो चलिए आगे का प्रोसेस किया जाए। हमने यहाँ पे ब्रेड लिया है, ब्रेड आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लगाएंगे सेजवान सॉस। अगर आपके पास सेजवान सॉस नहीं है, टमाटो सॉस भी लगा सकते हो। और यहाँ पे लगाएंगे मेयोनीज, तो लीजिए हमने बढ़िया से लगा लिया। अब एक तरफ रखेंगे फिलिंग को। एक चुटकी छिड़केंगे चाट मसाला और गोल मिर्च पाउडर और यहाँ पे रखेंगे चीज। मेयोनीज वाला ब्रेड लेंगे, इसको ऐसे कवर कर देंगे। तो एक बढ़िया से सैंडविच रेडी हो चुका है, इनको सेकेंगे। तो इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। गैस पे हमने एक तवा चढ़ा दिया है, अब इसमें ग्रीस कर देते हैं बटर से। अगर आप चाहो तो घी से भी बना सकते हो या तो फिर तेल से भी बना सकते हो, अगर बटर वगैरह नहीं है। बस इस तरह से रख देते हैं, मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से सेकेंगे।
थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐसे बटर लगा देते हैं। ब्रेड ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी फटी उटी है, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बन रहा है। हल्की ब्रेड है बिल्कुल। एक मिनट के लिए इनको ढक देते हैं और थोड़ा तवा को इस तरह से ऐसे से करते हुए कि मतलब पूरी तरह से गैस का फ्लेम तवा पे लगे। एक मिनट के बाद में खोल के चेक कर लेते हैं, तो इसमें हल्की से भाप भी बन गई है। अब इनको बढ़िया इस तरह से पलट देते हैं। देख सकते हो बहुत बढ़िया से पके हैं। अगर आप चाहो तो इससे कम कलर आप कर सकते हो। एक मिनट के लिए फिर से ढकेंगे, गैस के एकदम धीमा ही रखे हैं। हमारे सैंडविच बहुत बढ़िया से पक चुके हैं, अब इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे सैंडविच बढ़िया से बन के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो एकदम बढ़िया से बने हैं। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए इनको हम थोड़ा से कट करके दिखा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो लीजिए बढ़िया चीज़ भी बहुत बढ़िया से मेल्ट हो गई है, तो खाने के लिए एकदम रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।